Students, good morning. How are you? I hope you are all fit and fine. So, beta, in last video I taught you this and that. This and that we will use for one thing. This, which thing is near to us, we will use this. Which thing is far from us, we will use that. We will use that. That के लिए one finger का use करना है. That के लिए one finger. जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए this use करते हैं, जो दूर है उसके लिए one finger के साथ that use करते हैं. So today I will teach you these and those. आपको सबसे पहले these and those की activity करवाऊँगी, उसके बाद आपको these और those की spelling को 10-10 time notebook में write करना है ताकि आपको learn हो जाए. Okay? So let's, you are ready for activity? Yes. आपको इसी एक्टिविटी को फॉलो करना है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो बनाकर मेरे पास सेंड करनी है. आप यह ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, दिस एंड दैट का यूज़ करते थे हम लोग वन थिंग के लिए. दिस और दैट का यूज़ करते थे वन थिंग के लिए. बट दीज एंड दोज का जो यूज़ होता है वो बहुत सारी टू और मोर देन टू थिंग्स के लिए होता है. टू और मोर देन टू थिंग्स के लिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. कब, किसका? दीज और दोज का. जैसे दिस का यूज़ करते थे पास थिंग होती थी, जो वन थिंग थी जो मेरे पास थी उसके लिए यूज़ करते थे दिस, और दूर के लिए दैट का यूज़ करते थे. लेकिन अब दीज का यूज़ कब करेंगे? जो चीज़, जो टू और मोर देन टू थिंग्स हैं वो मेरे पास है, जो मेरे पास है उसके लिए दीज आ जाएगा. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज यूज़ होता है. और जब दो टू या मोर देन टू थिंग्स आर फार फ्रॉम मी, फार फ्रॉम अस, जब टू और टू मोर देन टू थिंग्स हमारे से दूर होती है तो टू फिंगर का यूज़ करना है. कितनी फिंगर का यूज़ करना है? टू फिंगर्स का. कितनी फिंगर्स का? टू. दैट के लिए वन फिंगर, दोज के लिए टू फिंगर. दोज के लिए टू फिंगर, दैट के लिए वन, दोज के लिए टू. सो आर यू रेडी? लेट्स टू प्रैक्टिस. वन कैप, वन कैप मेरे पास है तो क्या यूज़ होता है जल्दी से बताओ मुझे. आपको याद है दिस, यही कैप अगर मैं दूर रख देती हूँ तो वो बन जाएगी दैट. अगर मेरे पास टू कैप्स हैं, टू कैप्स हैं मेरे पास, कितनी कैप्स हैं? टू कैप्स. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज आर कैप्स, दीज आर कैप्स, दीज आर कैप्स. अगर ये मेरे पास ऐसे पड़ी है तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, दीज आर कैप्स, दीज आर कैप्स. अगर ये मेरे से दूर चली गई, ये मेरे से दूर में कैप दूर, those are cats, those are cats, those are cats. मेरे पास आ गई तो these are cats. सो लग रहा है, बहुत सारी थिंग्स होगी ना, जब वन से ज़्यादा थिंग हो जाती है तो सो लग जाता है. cats, those are cats. फिंगर ऐसे करिए, those are cats, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी. अब उसके बाद क्या है? These are booklets. सर की साउंड आ रही है क्योंकि बहुत सारी थिंग्स होती हैं या टू से ज़्यादा थिंग्स होती हैं तो सर का यूज हो जाता है. बुकलेट की जगह बुकलेट्स बन जाता है. These are booklets. These are booklets. Those are booklets. Those are booklets. इसके बाद कितने कप्स हैं मैम के हैंड में? थ्री कप्स हैं. These are cups. These are cups. These are cups. These are cups. अब मेरे से दूर हो गए. Those are cups. Those are cups. Those का यूज़ क्यों कर रहे हैं? टू फिंगर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ये आपको मैंने बता दिया कि जब बहुत सारी या टू से ज़्यादा थिंग्स हमारे से दूर होती हैं तो हम लोग those का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? Those का. Those are cups. Those are cups. How many spoons in my hand? 1, 2, 3 and 4. These are spoons. These are spoons. These are spoons. These are spoons. अभी मैंने spoon दूर कर दी. Those are spoons. Those are spoons. Those are spoons. Those are spoons. ये देख spoons है तुम्हारी. Those are spoons. Okay. ये पेन है मेरा, वन नहीं है ज़्यादा है, ज़्यादा है तो दीज आर पेंस. स आ जाएगा. दीज आर पेंस, दीज आर पेंस. अब इन्हीं पेन्स को मैं दूर कर रख दूँगी तो मेरे से दूर हो गए. दोज आर पेंस, दोज आर पेंस, दोज आर पेंस.
These are mugs. Two mugs है. These are mugs. These are mugs. अगर मैंने ये दूर कर दिए तो those are mugs. Those are mugs. Those are mugs. So, अब आपको ये समझ आ गई? These और those. जब टू या मोर देन टू थिंग्स होती हैं और हमारे पास होती है तो हम लोग यूज़ करेंगे दीज का. किसका यूज़ करेंगे? दीज का. जब टू और मोर देन टू थिंग्स हमारे से दूर होती हैं तो हम टू फिंगर का यूज़ करेंगे और ऐसे करेंगे. दीज आर ट्रीज. दीज आर ट्रीज. अब यहाँ पे मैंने फिंगर लगा दी और कप्स है, बहुत ज़्यादा कप्स है, तो दोज आर कप्स. दोज आर कप्स. दोज आर कप्स. वी विल डू पेज नंबर 25 इन अ बुकलेट. अब देखो टू बैग्स हैं तो दीज आर बैग्स. फिंगर नहीं लगानी. दीज आर रैट्स. दीज आर ट्रीज. दीज आर मग्स. दीज आर पोर्ट्स. ये भी दीज है. दीज आर कार्स. दीज आर बैट्स. दीज आर टॉयज. दीज आर कैट्स. तो दोस्त के लिए जो है नेक्स्ट बुकलेट में काम करना पड़ेगा आपको. ये दीज है दोस्त के लिए बा बुकलेट. ये टू फिंगर लगेंगे इसका मतलब दूर है हमसे और ज़्यादा थिंग्स हैं. दोज आर हेड्स. दोज आर टॉप्स. दोज आर पेंस. दोज आर कप्स. दोज आर डॉग्स. वन वन फिंगर गैप अगर रफ नोटबुक की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग. सो इसकी प्रैक्टिस आपको अगेन एंड अगेन करनी है. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर दिस आना है, कहाँ पर दैट आना है, कहाँ पर दीज आना है और कहाँ पर दोज आना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिस दैट दीज दोज का डिफरेंस बताते हुए समझाऊंगी. ओके बेटा, टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.